अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकरा यास्मीन मलिक आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी की मरकजी सदर की हैसियत से पाकिस्तान भर में यूथ की वेलफेयर के हवाले से काम कर रही हूँ। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद चंद अहम हकायक आपके सामने लाना है। 1995 में मेरे वालिद जो कि सरकारी मुलाजमत से ट्रांसफ़र होके सून से केसर से रबवा आते हैं और मेरी जाए पैदाइश रबवा ही है। रबवा वो शहर है जो पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते हैं। अहले रब्वा यानी कादियानी वो लोग हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, बल्कि गुलाम अहमद कादियानी को आखिरी नबी मानते हैं। और ये वो शख्स है जो कि अंग्रेज़ों का एक ब्रांड है, जो कि एक दज्जाली फितना है, जिसको सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसलमानों के दरमियान लाया गया। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमानों से खौफजदा थे अंग्रेज़, और वो चाहते थे किसी तरीके से उनके जहनों से जहाद का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। और इस मकसद के लिए गुलाम अहमद कादियानी को इस्तेमाल किया, और आज कादियानी उसी चीज़ को संभाले हुए हैं, उसी प्रोपेगेंडा के तहत जो हैं। ये जो इनका एक नारा है, लव फॉर ऑल हेट फॉर नॉन, ये दरअसल जहाद के कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए एक बज़ाहिर इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है लव फॉर ऑल का। और ये कितना लव फॉर ऑल है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताने वाली हूँ। अच्छा, ये जो गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब रूहानी खजाइन में लिखता है, जिल्द नंबर 18 और सफ़ा नंबर गालिबन 207 है, बेशक कुरान मजीद में मुझे ही अहमद और रसूल कहा गया, मोहम्मद और रसूल कहा गया। फिर लिखता है कि सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। सुनिए, यहाँ ये साबित होता है कि कादियानी जो ख़ुद को अहमदी मुस्लिम लिखते हैं हर जगह और मुसलमान कहलवाने की ज़िद पे अड़े हुए, वो किसी तौर भी मुसलमान कहलाने के तो क्या गैर मुस्लिम कहलाने के भी हकदार नहीं है, क्योंकि वो तो मुर्तदीन है, वो मुर्तद जिनके खिलाफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिहाद किया। और ये पाकिस्तान के कितने खैर ख्वाह हैं इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए, क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग वहाँ की है, मैंने वहीं से ग्रेजुएट किया। और ये जो इस वक्त आप डिग्री देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये इन्हीं के जो एक इदारा है नुसरत जहाँ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रब्बा, वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया। तो हमें मॉर्निंग असेंबली में पाक सरजमीन शाद बाद ये नहीं पढ़ाया जाता था, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, ये नहीं, बल्कि ये एक ऐसी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं और अपने बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं जो आने वाले 10 से 15 साल में इंतहाई इस मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। सुनिए जो इनका नज़रिया है, जो ये अपने बच्चों को असेंबली में जो रोज़ रटवाते हैं उनके जहनों में बिठाते हैं। कभी ये भूल ना जाना ये बेज़रर से लोग, जो हक की राह में गर्दन कटा भी सकते हैं, इमाम वक्त के अबरू के एक इशारे पर। इमाम वक्त से मुराद वो मसरूर है, मसरूर अहमद है, जो कि अभी इनका रिसेंट खलीफा है। इमाम वक्त के अबरू के एक इशारे पर तुम्हारे जौम के पुर्जे उड़ा भी सकते हैं, ये लव फॉर ऑल का प्रचार करने वालों का असल चेहरा है। कभी ये भूल ना जाना ये पुरअमन से लोग, वक्त आने पर असलहा उठा भी सकते हैं। सदर उमे के दफ्तर पे जब रेट हुआ तो असलहा बरामद हुआ, ये हकीकत पर मबनी चीज़ें हैं। इमाम वक्त के चेहरे पे जो मलाल आए तुम्हारी सात नस्लें मिटा भी सकते हैं, ये कादियानी धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को, उम्मत मोहम्मदी को। और समझ से बालातर है कि हर चौथे रोज़ जो है, हर चौथे महीने किसी न किसी को हमदर्दी का बुखार चढ़ जाता है। कभी कादियानी को ओहदा देने की बात होती है, कभी ख़त्म नबूवत की मोहर को छेड़ दिया जाता है, उसमें तरमीम की जाती है कानून में, उसकी बात होती है। कभी जो है वो इनको अकलियत के हकूक़ देने की बात होती है। कौन से हकूक़? ये आईने पाकिस्तान को नहीं मानते तो इनको अकलियत के हकूक़ दिए कैसे जा सकते हैं? ईसाई अगर वो हकूक़ ले रहे हैं तो वो मानते हैं 1973 के आइन को, तस्लीम करते हैं, यहूदी मानते हैं, हिंदू मानते हैं, कादियानी नहीं मानते हैं। आप ये देखें, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शहर है जहाँ तक जहाँ पे मीडिया की रसाई नहीं है? ईवानों से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस तक मीडिया पहुँच जाता है, लेकिन रब्वा में मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को कवरेज करने की इजाज़त नहीं है। आप वहाँ जाके कवरेज नहीं कर सकते, आप उनके दफातर को विजिट नहीं कर सकते, और क्योंकि वहाँ उन दफातर में आए रोज़ दिन रात जो है वो मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही होती हैं, तो कैसे वो विजिट करने दे सकते हैं आपको?
इन्होंने जगह लीज पे ली थी 100 साल के लिए गवर्नमेंट से और आज तक उसका टैक्स पे नहीं किया। आप ये देखें, रब्बा से लेकर अहमदनगर और उससे आगे लालियां और सियाल मोड़ तक ये ज़मीनें खरीद चुके हैं और वहां अपनी बस्तियां बसा चुके हैं, मुल्क भर में अपने लोगों को ला करके आबाद करके और एक मजबूत अपना नेटवर्क बना रहे हैं। आज अगर हमने इस कादियानियत पर एक वाज़ हिकमत अमली नहीं अपनाई, याद रखिएगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने दिल में बुग्ज़ रखते हैं ना, वो कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो कभी आपके साथ जो है वो एक मोहब्बत और खलूस के साथ पेश नहीं आ सकते। मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी कि कादियानियत के ऊपर एक वाज़े मौक़िफ़ अपनाएं और उसमें ज़रा भी लचक जो है वो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। रोज़े महशर जो है अल्लाह ताला सवाल करेगा और उस सवाल से बचाने वाली ज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिनकी ज़बान पे सिर्फ या रब्बी उम्मती उम्मती होगा। और अगर उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सवाल पूछ लिया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। खुदारा इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझें, वगरना मुकम्मल सिलसिला होगा तबाही का तो देखेंगे। पसे पर्दा छुपे थे क्या हकाइक पेश मंज़र के।